हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, लगातार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके प्रैक्टिस सेट जारी हैं, उसी क्रम में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और काफ़ी उपयोगी साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। 15 अप्रैल को जो आपका सेकेंड पेपर होगा, जिसमें आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट की और अंत में आप यह भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए और आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है? तो देखिएगा, एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पद है जो इस श्रृंखला के अनुक्रम में नहीं आया था, अर्थात जो एक पद गलत है वो आपको यहाँ पर छांटना है। तो देखिए, दो के बाद तीन आया, प्लस वन हुआ, और उसके बाद आपका पाँच आया तो प्लस दो हुआ, और पाँच के बाद आठ आया तो तीन हुआ, और आठ के बाद चार होगा प्लस तो बारह होगा, और बारह के बाद पाँच प्लस होगा तो सत्रह होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 18 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बिल्कुल गलत आंसर है। तो 18 इसके लिए राइट आंसर होगा, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आकृति में त्रिभुज गिनने की तरीका आपको पता ही होगा। सबसे पहले जो दी गई आकृति है उसके ऊपर और नीचे वाले सभी भाग के त्रिभुज गिन लेते हैं जो फिलहाल बने हुए हैं। उसके बाद प्रत्येक लाइन को जो है डिलीट करते हैं अपने मन ही मन में और त्रिभुजों की गिनती करते हैं। इस प्रकार से तीन और तीन छः और तीन नौ और दो ग्यारह और एक बारह त्रिभुज यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यह पूछा गया है कि राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा। देखिएगा, कोई राधिका है, उसका परिचय जो है बलराम दे रहा है और कह रहा है कि उसके पिताजी अर्थात राधिका के पिता, तो राधिका के पिता जो हैं मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, अर्थात बलराम का राधिका के साथ क्या संबंध है। देखिए, राधिका के जो पिता हैं बलराम के पिता के इकलौते पुत्र हैं। बलराम के पिता के इकलौते पुत्र का अर्थ है कि बलराम खुद है, तो खुद क्या है अर्थात राधिका का पिता है। तो राधिका जो है बलराम की पुत्री है, तो यहाँ पर जो संबंध होगा पिता, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं, किसी भाषा में पोस्टर को 23-46-78 तथा मून को 5-3-3-1, तो इस कोड के आधार पर दिए गए शब्दों के कोड बताइए। देखिएगा, यहाँ पर प्रत्येक अक्षर अर्थात पी के लिए 2, ओ के लिए 3, एस के लिए 4 और टी के लिए 6, और यहाँ इस तरीके से प्रत्येक सर्व जो आपके अक्षर होते हैं प्रत्येक अक्षर का एक नंबर दिया गया है, तो उसी के आधार पर आपको आंसर देने हैं कुछ क्वेश्चनों के। जैसे यहाँ पर लिखा है टी के लिए यहाँ पर दिया गया है 6, तो यहाँ पर लिखिए आप 6। तो देखिएगा, फिर आता है ई के लिए जो नंबर दिया गया है, आप देखिएगा पोस्टर वाले में ई आया हुआ है, तो ई में आपका जो नंबर है वो दिया गया है 7। इसी प्रकार से आर आया हुआ है, आर यहाँ पर पोस्टर वाले उसमें आया हुआ है, तो 8 आर का नंबर होगा। इसी प्रकार से एम मून का अर्थात 5 दिया हुआ है एम का नंबर, और लास्ट बचता है आपका एस, तो एस यहाँ पर दिया गया है पी ओ एस अर्थात तीसरे नंबर पर 4 आता है पोस्टर के लिए, तो 4 यहाँ पर होगा। तो अर्थात विकल्प ए आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है पोएम, पी ओ ई एम, तो पी के लिए आपको दिया गया है कोड आपका 2, ओ के लिए आपको दिया गया है यहाँ पर मून में भी देख सकते हैं आप, पोस्टर में भी देख सकते हैं, दोनों जगह ओ आया हुआ है, तो ओ के लिए दिया गया है आपको 3, ई के लिए आपको दिया गया है 7, और एम के लिए आपको जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 5। तो 23-75 अर्थात सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है स्कोर, तो वो भी ऊपर वाले भाग के अनुसार आपको देना होगा। एस के लिए जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है आपका 4, पोस्टर में ऐसा आता है, तो 4 यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। पी के लिए जो आपको दिया गया है 2 नंबर दिया गया है। ओ के लिए जो नंबर है वो दिया गया है आपको 3। आर के लिए जो नंबर है वो देख सकते हैं पोस्टर वाले 8,
और ई के लिए दिया गया है यहाँ पर आर से पहले वाला जो नंबर है पोस्टर में वो दिया गया है 7। तो 4 2 3 8 7 अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट होगा, 4 2 3 8 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग बड़े को गुना जोड़ को प्लस भाग को और माइनस बराबर को और छोटे गुना को और बराबर छोटे को इस तरीके के चिन्ह को दर्शाया गया है तो कौन सा कथन सही होगा। तो आप इस तरीके के पूरे के पूरे कथनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर जो बी है उसका जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा आएगा अर्थात 1 आएगा, तो सही आंसर जो होगा आपका बी होगा। देखते हैं, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला अगर हम 6 देखते हैं तो यहाँ पर उससे पहले 5 तो है लेकिन बाद में 7 भी है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन की जो शर्त है वो बाद में 7 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पर नंबर देखते हैं 6 के लिए, तो यहाँ पर जो दिया गया है ये बिल्कुल राइट होगा क्योंकि 6 के पहले जो है 5 तो है लेकिन 7 नहीं है, तो क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही होगा। तो एक नंबर तो हमें ये मिल जाता है 6 वाला। दूसरा हम देखते हैं 6 यहाँ पर भी आया हुआ है लेकिन उसके तुरंत बाद 7 है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं 6 आया हुआ है यहाँ पर लेकिन उसके तुरंत बाद 8 है अर्थात 7 नहीं है, ठीक पहले 5 है, तो बिल्कुल सही नंबर होगा। और लास्ट में हम देखते हैं तो 1 6 यहाँ पर भी आया हुआ है उसके बाद 7 है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 7 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए, तो 2 ऐसे 6 हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCKT लिखा जाए तो उसी भाषा में लाइट को कैसे लिखेंगे। देखिए सी के बाद जो है ई अर्थात 2 प्लस 2 हुआ आपका, जो श्रृंखला है अंग्रेजी वर्णमाला में प्लस 2 हो रहा है, एच के बाद अगर हम 2 जोड़ते हैं तो जे आता है, इसी प्रकार से क्रम बढ़ता गया, ए के बाद 2 जोड़ने के बाद सी आया और आई के बाद 2 जोड़ने के बाद के आया, आर के बाद 2 जोड़ने के बाद टी आता है। तो लाइट में भी हम प्रत्येक शब्द में 2 जोड़ेंगे। यदि एल में 2 जोड़ा जाता है तो क्या आता है आपके लिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2 जोड़ने पर आएगा आपका एन, और उसके बाद जो शब्द है आई, आई में 2 जोड़ने पर आएगा आपका के, इसके बाद जो जी है जी में 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा आई, एच में 2 जोड़ने पर 2 प्लस करने पर आपका आता है जे, और टी में 2 प्लस करने पर आपका वी आता है। तो देखिएगा ये जो ऑप्शन है एन के आई जे वी, ये जो ऑप्शन है ये होता है आपका सेकंड ऑप्शन अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षर को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द बनेगा। देखिएगा कुछ शब्द दिए गए हैं लेकिन बखेर दिया गया है शब्दों को, और उन्हें व्यवस्थित रूप से लिखने पर एक सार्थक शब्द बनेगा, वो 4 ऑप्शन में से एक होगा। तो पहले ऑप्शन ए पर हम ध्यान देते हैं, ये इसमें लिखा गया है STAGNATIO। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारी सार्थक शब्दों का समूह दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार उसमें कहीं भी टी नहीं आता, लेकिन ऑप्शन ए में जो है टी दिया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन देखते हैं सी, सी में आपको दिया गया है ग्रैंडसन, तो यहाँ पर जो शब्द है वहाँ पर GRANDSON, तो ओ भी यहाँ पर कोई शब्द नहीं दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, इन शब्दों में कहीं भी ओ नहीं है, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत होगा। इसी तरीके से देखते हैं ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है तो यहाँ पर भी ओ दिया गया है, तो ओ बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल, तो ऑप्शन बचता है केवल आपका बी, और इसमें सारे शब्द आपके मिल जाते हैं, तो सेफ गार्ड इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आकृति से संबंधित है, पहला समूह प्रश्न आकृतियाँ तथा दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का है।
पर्सन आकांक्षा में जो जोड़े आकांक्षा दी गई है पहले जोड़े का किसी प्रकार से दूसरे जोड़े से संबंध है, उसी संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े की आकृति निकालिए। तो जो पहले जोड़े में संबंध दिखाया गया है उसी संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े में आपको पर्सनवाचक चिन्ह दिया है तो उसके स्थान पर कैसी आकृति आएगी। तो पहला ध्यान हमारा पहले जो क्वेश्चन दिया गया है पर्सन आकृति उस पर पहले जोड़े पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। कहाँ परिवर्तन हुआ है? उनकी आँखों में, ये जो गोल गोल आँखों की तरह बना हुआ है केवल उसमें परिवर्तन हुआ है। और जो राइट में आपकी आई थी वो लेफ्ट में चले गई है, जो लेफ्ट थी वो आपकी राइट में। तो यहाँ पर जो दिया गया है पर्सन आकृति के स्थान यहाँ भी आँखों में ही चेंज होगा। जो आँखों में आपका काला घेरा नीचे था वो केवल ऊपर चला जाएगा। तो देखेगा कौन सी आकृति में गया हुआ है, आकृति डी में। तो डी इसके लिए राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो काला घेरा है वो ऊपर की ओर चले गया है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है जैसा कि आपको संबंध फर्स्ट में दिखाया गया है। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, जो पहला संबंध दर्शाता है वही संबंध दूसरे के अंदर भी हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज तरीके का एक चित्र बना हुआ है, उसके बाद जो है वर्ग बना हुआ है और उसके जो एक भुजा है वो बढ़ी हुई है जैसा कि त्रिभुज में बढ़ी हुई है। इधर हम देखते हैं तो इधर हमें दिखाई दे रहा होगा एक त्रिभुज है, उसकी तीन भुजा जो है आपस में बढ़ी हुई है। तो जिस तरीके से पहली आकृति में त्रिभुज था तो इस दूसरी आकृति में पर्सन वाचक जो आकृति होगी वहाँ पर आपका जो है वर्ग बनेगा और उसमें भी क्या होगी, चारों भुजाओं की जो वो है बढ़ी हुई होगी, अर्थात दूरी बढ़ी हुई होगी। तो इस तरीके से आपकी बढ़ी हुई होगी। तो यहाँ पर जो पर्सन आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से आपकी बढ़ेगी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से आपका बढ़ गया है और इस तरीके से आपकी जो आकृति दिखाई दे रही होगी आपको बी आकृति दिखाई दे रही होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संकेतिक भाषा में होम को 2541, सोप को 8256 तथा वर्क को 9573 लिखा जाए, अर्थात प्रत्येक शब्द के लिए एक कोड दिया गया है प्रत्येक अक्षर के लिए, जैसे एच के लिए 2, ओ के लिए 5, एम के लिए 4, ई के लिए 1, इस तरीके से आपको कोड दिया गया है शब्दों के लिए। तो यहाँ पर हम स्मोक के लिए जो सार्थक अंक आपको अंकों का जो शब्द होगा वो देखना है। एस के लिए जो शब्द दिए गए हैं वो दिया गया है 8, तो सबसे पहले 8 लिखा जाएगा। उसके बाद एम को जो कोड दिया गया है वो देखना है हमें, होम में एम आया हुआ है तो एम के लिए यहाँ पर देखेंगे हम 4 दिया गया है, क्योंकि एम तीसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है वो 4 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ओ देखते हैं तो ओ सोप में भी आता है और आपके वर्क में भी आता है, तो कहीं से भी नंबर उठा लो ओ वाले क्रम का। तो यहाँ पर ओ का जो क्रम है उसमें 5 आया हुआ है। फिर इसके बाद आता है आपका के, तो वर्क में आपका लास्ट वाला है के और लास्ट वाला नंबर इधर है 3, तो यहाँ पर आप 3 आएगा 5 के बाद। इसी प्रकार से ई आपका बत्ता है तो ई में आप देखते हैं कि होम में लास्ट में ई है और यहाँ भी लास्ट में 1 आया हुआ है, तो आप यहां पर 1 लिख सकते हैं। तो 8 4 5 3 1 ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा एक कोडिंग के अनुसार ये क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी उलझाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहां पर जो है 9 × 3 + 8 अर्थात 24, तो इनमें ये जो चिन्ह आपको दिखाई देते हैं सीधे तौर पर गुना नहीं होती है, यहां पर उलझाया जाता है अर्थात इनका अर्थ कुछ और होता है। उसी प्रकार से 10 × 2 + 7 अर्थात 35, 80 × 40 + 3 = 6, इस तरीके से दिए गए हैं। और 12 × 4 + 3 का मान पूछा गया है। तो देखिएगा 9 × 3 + 8 24 कैसे होगा, ये 24 तब होगा जब 9 को 3 से भाग दिया जाएगा, अर्थात गुना की जगह आपका भाग आना चाहिए। तो 9 को जब 3 से भाग दिया जाएगा तो आपका 3 आएगा और 3 × 8 होगा अर्थात प्लस की जगह आपका 8 होगा, तो आपका 24 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है श्रृंखला में सभी शब्दों में यही काम हुआ है कि गुना की जगह जो है आपका भाग आएगा और प्लस की जगह आपका गुना आएगा। तो 12 को यदि गुना की जगह भाग किया जाए तो 4 × 12 अर्थात 3 आएगा, और प्लस की जगह 3 किया जाए, 3 × 3 की गुना 3 से की जाए तो 9 आएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा।
दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ शब्द और कुछ आपको अंक दिए गए हैं, उसका जल प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है। ए बी 4 5 सी डी 6 7। देखिएगा अगर दर्पण प्रतिबिंब होता है तो राइट वाला लेफ्ट चले जाता है और लेफ्ट वाला राइट चले जाता है, लेकिन बात आती है जल प्रतिबिंब की तो ऊपर वाला भाग जो है नीचे चले जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर आता है। तो ए को यदि हम ऊपर वाले भाग को पूछाएंगे और नीचे वाले को उल्टा करेंगे तो ए जो है इस तरीके से आपका बनेगा। दोस्तों ये जो आकृति ये इस तरीके से आपका ऊपर चले जाएगा, ये जो ए नीचे बना हुआ था इस तरीके से ये जो आकृति है आपकी ऊपर चली जाती है। इसी तरीके से बी जो है ये बी इस तरीके से आपका आता है यहाँ पर। यदि जल प्रतिबिंब की बात की जाए, यदि चार की बात की जाए तो चार आपका इस प्रकार से आएगा। तो ये जो इस तरीके के शब्दों का जो सार्थक क्रम है वो आपका जो आंसर होगा उसमें दर्शाया गया है। तो ये जो आपके लिए आंसर होगा यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर का सेकंड ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ए टी अर्थात कैट को 24 लिखा जाता है, एस ए डी सैड को 24 लिखा जाता है, तो सी एस एच ई को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा सी का नंबर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 3 और ए का होता है 1 और टी का होता है 20। यदि तीनों शब्दों को जोड़ा जाएगा आपका 24 आता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। एस का होता है आपका 19, ए का होता है 1 और डी का होता है 4, तो यहाँ पर भी आपका 24 आता है। अब देखते हैं एस का होता है आपका 19, दो सी के लिए क्या बनेगा। एच के लिए आपका होता है 8 और यहाँ पर ई के लिए होता है आपका 5। तो देखिएगा यहाँ पर बनता है आपका जो नंबर सही बनता है, देखिएगा 19 और 8 27 और 5 32, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। देखिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो दिखाया गया है आपको प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा। एक शब्द दिया गया है, अक्षरों का दिया गया है कि डी क्यू पी वी ई से क्या बनता है आपका सी आर ओ डब्लू डी। तो डी के बाद आपका सी आया अर्थात एक घटा, उसके बाद क्यू के बाद आपका आर आया अर्थात एक बढ़ा प्लस 1 हुआ, उसके बाद पी से एक कम होगा तो ओ आएगा, उसके बाद 1 बढ़ेगा तो W आया और फिर E से एक कम हुआ तो D आया। ये क्रम हमें लगातार पहले एक क्या करना है आपको घटाना है फिर एक बढ़ाना है, इस तरीके से आपको करना है। I में प्लस 1 करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, लेकिन शुरू में क्या करना है आपको घटाना है। तो शुरू में क्या करना होगा आपको घटाना होगा, I में से माइनस 1 करेंगे तो आपका H आएगा। फिर नेक्स्ट जो शब्द है N, N में क्या करना होगा आपको प्लस करना होगा, तो प्लस 1 करेंगे तो आपका आएगा एन के बाद क्या आता है आपका ओ। फिर उसके बाद जो तीसरा शब्द होगा माइनस 1 करेंगे तो वी माइनस 1 होगा आपका यू, अर्थात वी से पहला शब्द होगा आपका यू। उसके बाद आर आता है, आर में प्लस 1 करेंगे तो आर के बाद आता है आपका एस। उसके बाद एफ आता है तो एफ में माइनस 1 करेंगे तो दोस्तों एफ से पहले आपका माइनस 1 करने पर आपका ई आएगा, तो हाउस आपका बन जाता है शब्द। और हाउस के लिए जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आपको डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 135 वामावर्त दिशा में घूमता है, तो उसका मुँह किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना होगा, तो यहाँ पर हम यदि दिशा परीक्षण के क्वेश्चन करते हैं तो आप सभी जानते होंगे ये ऊपर वाली भुजा जो होती है वो होती है उत्तर, ये होती है आपकी पश्चिम, ये होती है आपकी पूर्व और ये होती है आपकी दक्षिण। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जिक्र जो किया गया है वो किया गया है उत्तर पश्चिम का, अर्थात यहाँ पर बीचों बीच आपका है। यदि आप इसे 90 डिग्री तक घुमाते हैं तो 90 डिग्री दक्षिण आवर्त की तरफ घुमाते हैं तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पहुँच जाता है, लेकिन फिर से यह पुनः घुमाया जाता है तो 135
अर्थात 135 पर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि 90 तो ये घूम गया है, उसके बाद 45 और घूमेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो आपकी ये दिशा कौन सी होगी यह आपको बतानी है, तो यह दिशा होगी आपकी पश्चिम। तो पश्चिम के लिए जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाए, बताइए कि इस दौरान कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखिएगा, हाथ जब मिलाते हैं तो कितने व्यक्ति शामिल होते हैं, दो। तो कुल व्यक्ति यहाँ पर 10 थे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 10 और प्रत्येक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ हाथ मिलाने जाता है तो उसके सामने कितने व्यक्ति खड़े होंगे, 9। तो गुना 9 और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो इसके लिए जो भाग होता है वो होता है इस तरीके से होगा, 10 × 9 और भाग 2, क्योंकि दो व्यक्ति ही हमेशा हाथ मिला सकते हैं। तो 10 × 9 से गुना करेंगे 90 होगा, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 45 आपका आंसर आएगा। तो 45 यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। एक श्रृंखला दी गई है लेकिन अंत में क्या किया गया है, क्वेश्चन मार्क किया गया है, तो वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वो आपको बताना है। तो देखिएगा, जे के बाद आपका के आता है, प्लस 1 होता है, के बाद आपका 2 होता है, प्लस तो आपका एम आता है, और एम के बाद आपका प्लस 3 होता है तो पी आता है, और पी के बाद आपका 4 होता है प्लस, तो आपका टी आता है। लेकिन इसमें टी के बाद आपका क्या होगा, प्लस 5 होगा, अर्थात 20वां नंबर तो टी का होता है, और 25वां नंबर आपका किसका होता है, आप सभी जानते हैं, वाई का। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्रिकेट गेम, क्रिकेट का जो संबंध गेम से है उसी प्रकार से एक ऐसा ही संबंध हमें निकालना है चारों विकल्पों के अंतर्गत। तो देखिएगा, किंग रूल बिल्कुल ऑप्शन गलत होगा ऑप्शन बी, क्योंकि राजा नियम ये कोई सटीक संबंध नहीं बैठता है, नियम कोई भी बना सकता है, सरकार भी, इसके लिए राजा होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तीसरा देखते हैं सी में, यदि आप पूछा जाए हिंदी और लैंग्वेज, तो भाषा के अंतर्गत क्या आती है, हिंदी, जिस प्रकार से गेम के अंतर्गत क्रिकेट आता है उसी प्रकार से भाषाओं के अंतर्गत हिंदी आती है, तो सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी उलझाने वाले क्वेश्चन है होते हैं, जरा सी गलती में ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। चार विकल्पों में से कोई सा एक विकल्प आपको शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो सार्थक क्रम में सबसे पहले वह शब्द लिया जाता है जो सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर एक वृक्ष के बारे में चर्चा की गई है, तो देखते हैं वृक्ष में सबसे पहले होती है आपकी जड़, तो 2 नंबर आपका जड़ अर्थात पहले आएगा। जड़ के बाद आप सभी जानते हैं तना आता है, तो तना आपका 1 नंबर पर है, तो 2 के बाद आपका 1 आएगा, 2 और 1, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें संबंध बनाना है। 2 के बाद 1 आया, उसके बाद तने के बाद आपका क्या आता है, शाखा, तो शाखा आपकी तने के बाद, तने से निकलती है शाखा, तो 5 नंबर पर है आपकी शाखा। उस शाखाओं पे क्या होती हैं, पत्ती, पत्ती आपकी 6 नंबर पर है तो 6 आएगा। पत्ती के बाद जो है आपके आते हैं फूल, तो फूल आपका 4 नंबर पर है, और फूल के बन जाते हैं आपके फल, फल आपका 3 नंबर पर है। तो कुल मिला के 2, 1, 5, 6, 4, 3 ये आपका क्रम बनता है, और ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट बैठता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है, आवेदन, चयन, परीक्षा और साक्षात्कार, चार शब्दों का सार्थक आपको लगाना है। तो देखिएगा, चयन होना है आपको किसी परीक्षा में, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आवेदन, तो ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि उसके बाद होती है परीक्षा, यदि दोस्तों किसी में परीक्षा नहीं होती है तो डायरेक्ट साक्षात्कार होता है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा दी गई है तो पहले क्या होगी आपकी, परीक्षा, तो परीक्षा के लिए आपको 3 नंबर दिया गया है, उसके बाद आपका होता है साक्षात्कार, क्योंकि दोस्तों चयन से पहले ही साक्षात्कार होता है, चयन होने के बाद थोड़ी ना साक्षात्कार होगा, तो 2 ऑप्शन अर्थात आपका अंत में हो जाता है चयन, 1, 3, 4, 2
यहाँ पर जो सार्थक क्रम दिखाता है ऑप्शन ए दिखाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे हमने आपको दिए, सामान्य बुद्धिमता और तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन, और 23 अर्थात 23 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप सभी ये बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। बीएड में काफ़ी क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट से टच होंगे, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके मित्रों को भी फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।